सिलाई सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द। फ्रेंड्स, सिलाई सीखो से मैं सरिता शर्मा, आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग आइडिया लेकर आई हूँ। देखिए, छोटे से कपड़े के पीस में एक यूज़फुल चीज़ बनाएंगे जिसे बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम पैटर्न की कटिंग करेंगे। देखिए, पेपर लेंगे, पेपर को हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद सिर्फ हमारे को ये इतना पीस पेपर का चाहिए, तो इसकी हम कटिंग करेंगे। और इसको कैसे करेंगे ये देखिए, पहले हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और यहाँ से इसकी लेंथ लेंगे 4 इंच और यहाँ से भी 1 इंच लेंगे। और इस तरीके से हम एक बॉक्स बना देंगे और यहाँ पर एक सर्कल इधर देखिए, इस तरीके से आपने ये शेप देनी है ये ऐसे कर। और अब हम इसकी यहाँ से लेकर और इस तरीके से कटिंग कर इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, पैटर्न की कटिंग हमने कर ली है। हमने इसे 1 इंच लिया था, खोलने के बाद ये हमारा 2 इंच हो जाएगा। ये हमारा पैटर्न यहाँ पर रेडी है। अब हम इस कपड़े को इस तरीके से रखेंगे। ये कपड़ा जो हमारा राइट साइड है, ये हमारा रॉन्ग साइड है। कपड़े को हमने फोल्ड किया और इस पेप को हम इस तरीके से ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद सेम हम कपड़े की कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कपड़े को कट हमने कर लिया है। ये देखिए, 2 पीस हमारे हो गए हैं। इंसर्ट करने के लिए आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं। इसको रखेंगे, ये हमारा राइट साइड रहेगा, इसे हम ऊपर रखेंगे। ऐसे ही ये हमारा रॉन्ग साइड रहेगा, राइट साइड हमारा नीचे की साइड रहेगा। और इसको हम इस तरीके से ऐसे रखेंगे। चारों तरफ से सिलाई लगाकर पहले इसे हम फिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चारों साइड से सिलाई लगाकर इसे हमने सेट कर लिया है। अब हम एक स्ट्रिप लेंगे और स्ट्रिप को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर एक फोल्ड और करेंगे और इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, ये स्ट्रिप मैं यहाँ पर रेडी कर चुकी हूँ, जिसकी लेंथ मैंने ली है 2.5 इंच। तो यहाँ पर हमने इसकी लेंथ ली है 2.5 इंच। आप इसमें छोटा बड़ा साइज इसमें ले सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से ऐसे रखेंगे और इसको हम ऐसे रखेंगे। ये देखिए, ऐसे करके और यहाँ पर हम ऐसे कर और इस पर यहाँ पर सिलाई लगा कर इसे भी हम सेट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे भी यहाँ से हमने स्टिच कर लिया है। अब एक 22 स्ट्रिप लेंगे, जो उरे पट्टी है वो हम कट करेंगे, जो इसके चारों साइड हम इसमें लगाएंगे। तो ये देखिए, इसे हम रॉन्ग साइड से लगाएंगे। ये हमारा रॉन्ग साइड है। ये देखिए, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ऐसे गोलाई में घुमाएंगे ये ऐसे, और इसको यहाँ से लेकर आएंगे। तो चारों साइड से इसे हमने सिलकर रेडी करेंगे और उसके बाद इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे हम सीधा करने का ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे। और इस पर भी हम चारों साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे, जो मैं आपको कर दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे सिलकर हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आपने ये देखिए, इस तरीके से कट लगाने हैं, गोलाई में आपने कट लगाने हैं और ऐसे ही यहाँ पर कट लगाने हैं जहाँ पर हमारे ये कॉर्नर है। चारों तरफ से ऐसे ही कट लगाकर आपने इसे कंप्लीट करना है और इसे आप फिर सीधा करेंगे। ये देखिए, ऐसे यहाँ से अब एक बार हमने यहाँ पर फोल्ड किया, उसके बाद इस कपड़े को हमने यहाँ तक सिला। अब इसको हम ऐसे रखेंगे, इस तरीके से फोल्ड करना है ऐसे, और एक बार हम फोल्ड और करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे करते हुए और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाकर पूरा इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चारों साइड सिलाई लगाकर इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर हमने चिट बटन लगाया है, ये देखिए, एक इस साइड में और एक इस साइड। ये देखिए, इस तरीके से हम इस ऐसे करेंगे और इसे हम यहाँ पर ऐसे बंद करेंगे। ये देखिए, तो आप इसमें जो है चिट बटन लगाकर आप वेलक्रो का भी यूज़ कर सकते हैं। चिट बटन बहुत ही आसानी से घर में मिल जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसका यूज़ किया है। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको ये एयरफोन दिखाई दे रहा है आपको, तो ये यहाँ पर हम इसको हैंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से, ये देखिए ऐसे। और ये देखिए ऐसे, अब इसको यहां पर लेंगे और यहां से हम, ये देखिए, इसे बनाना बहुत इजी है। ये देखिए, और छोटे से कपड़े में ये बन जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।